लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के इस खास कार्यक्रम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब जब कोरोना की दो दो वैक्सीन यानी दवाई आ गई है तब भी लॉकडाउन की कड़ाई आखिर क्यों? आज एक तरफ वैक्सीन दी जा रही है और दूसरी तरफ लॉकडाउन बढ़ रहा है, तो सवाल यह है कि आखिर इस वैक्सीन का फायदा क्या है, आखिर इस लॉकडाउन का फायदा क्या है। सवाल यह भी है कि आखिर कोरोना को मुंबई और महाराष्ट्र से ही इतना प्यार क्यों है, आखिर बंगाल, केरल, असम, पुडुचेरी और तमिलनाडु में कोरोना का कहर क्यों नहीं, जहां चुनावी रैलियों में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। सवाल यह है कि कहीं ये तो नहीं कि कोरोना जनता को डराने और मनमाफिक फायदा कमाने का जरिया बन गया है। आज हम इसी मुद्दे पर सवाल उठाएंगे और जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा के लिए खास जो मेहमान है हमारे बिल्कुल बगल में, मशहूर स्टेम सेल चिकित्सक और कई पुरस्कार जीत चुके डॉक्टर प्रदीप महाजन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे जो मेहमान है मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट राजीव मोहन मिश्रा जी, और आखिर में हमारे जो मेहमान है मशहूर एडवोकेट दिनेश गुप्ता साहब। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ही पूछना चाहता हूं कि कोरोना की दूसरी जो लहर है वो फिर से आ गई है और सरकार ने तमाम पाबंदियां लगा दी हैं, लॉकडाउन फिर से लग गया है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, अब जब दवाई आ गई है तो फिर इतना डराने की जरूरत क्या है? सबसे पहले तो आपके प्रश्न का उत्तर ये रहेगा कि कोरोना ये पैंडेमिक है और हर कंट्री में इसका रूप बदल रहा है। साधारण आदमी के समझने के लिए जिसका म्यूटेशन कहा जाता है और वो म्यूटेट हो रहा है, हर कॉन्टिनेंट में हर कंट्री में उसका म्यूटेशन है। हमने जब भी दवाई लाई है, वैक्सीन लाया है, पर वो वैक्सीन का असर पूरे क्योर के लिए नहीं है, डिजीज कंट्रोल के लिए है। यदि हम डिजीज कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम एक से दूसरे को बहताते रहेंगे। yes. और हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से हम दवा के साथ में यदि हमने जो तीन जरूरतें समझी है, एक समझा है सैनिटाइजर, दूसरा समझा है मास्क और तीसरा समझा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीनों को हम यदि फॉलो नहीं करेंगे तो स्प्रेड होने में देर नहीं लगेगी। तो इसलिए हमारे पास में दवा के साथ में ये तीनों चीजें जरूरी बनती है, क्योंकि साधारण आदमी जिसको नहीं है डिजीज उसको नहीं होना चाहिए। और वैसे भी म्यूटेशन की वजह से जो यंग पॉपुलेशन लग रहा है वो पॉपुलेशन स्प्रेड कर रहा है डिजीज को, और हम यंग पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन के बाहर रख चुके हैं अभी। तो ये जो मापदंड है इसका सोचने का ढंग बहुत जरूरी है, क्योंकि यंग पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेशन में लेना जरूरी है अभी, क्योंकि वो पॉपुलेशन है जो हमारे स्प्रेड में जिम्मेदार बन रहा है। यदि हम ये दो बातें सोचेंगे तो दवाई भी और ढिलाई भी, या तो कढ़ाई भी, हम जिस तरह से बोलेंगे उसको बैलेंस कर सकेंगे। मिश्रा जी, क्या आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई जिस तरह से भी डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़े पैमाने पर अभी दवाई तो उपलब्ध हो रही है लेकिन उसमें एक हिस्सा अभी भी उससे वंचित है और जो नौजवान है, और हो सकता है उसके वजह से ये कोरोना फैल रहा हो, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेडिकल विशेषज्ञ होने के नाते जो बीमारी के बारे में बताएंगे वो हमसे बेहतर तो ये बताएंगे, लेकिन जो मैं कॉमन मैन की हैसियत से आपको बताना चाहूँगा वो ये, मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ से कोरोना की शुरुआत हुई वुहान से, वो वुहान आज पूरी तरीके से कोरोना फ्री हो चुका है। वो जगह जहाँ से इसकी शुरुआत हुई वहाँ इस तरह का कोई स्प्रेड देखने को नहीं मिल रहा है, वो पूरी तरीके से उसमें कम्प्लीटली विराम लग गया है। चाइना आज इससे बिल्कुल फ्री हो चुका है, फिर अब धीमे धीमे बाकी सब जगह थमने लगा है, हमारे यहां भारत में विशेष रूप से बढ़ने लगा है, और जो कि उसकी गति पहले की अपेक्षा ज्यादा तेज दिखाई दे रही है। अगर मुझे देखना होगा तो मैं इसके बॉटम से देखूंगा, मैं देखूंगा वुहान से। वुहान में जहां चाइना में जहां से शुरू हुआ, जब वो उसको जीत सकता है, या तो आप ये मान के चलिए कि वुहान के पास उसको जीतने की क्षमता है, हमारे पास जीतने की क्षमता नहीं है। अभी तो स्थिति यह है कि 6 महीने के बच्चे को भी कोरोना मिल रहा है, 25 साल के युवा को भी कोरोना मिल रहा है, 65 साल के बूढ़े को भी कोरोना मिल रहा है। दूसरी चीज की अगर आप एज वाइज बोले कि रिस्क फैक्टर है, तो 95 साल का आदमी भी कोरोना से एकदम बिल्कुल ठीक होकर के लौट आ रहा है और 25 साल का युवा भी मर जा रहा है। तो मुझे अभी तक इस चीज को लेकर के कोई बात समझ में आते हैं। अगर आप देखेंगे तो वैक्सीन आने के पहले तक कोरोना करीब करीब जाने की अवस्था में था, करीब करीब जाने की अवस्था में था, लोग ये मान चुके थे कि वो कोरोना अब गॉन हो चुका है और बहुत ही कम तादाद में अब कोरोना का विस्तार दिखाई दे रहा था। लेकिन
वैक्सीन आने के बाद जब कुछ लोगों ने वैक्सीन को डिनाई भी किया कि हम नहीं लेंगे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अचानक कोरोना का स्प्रेड इतना तेज दिखाई दे रहा है कि जैसे लग रहा है कि हाहाकार बन के आया। पहले के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया कोरोना ने। अब उस जो रिकॉर्ड हमारा 97,000 का था एवरीडे का, वो पार करके 1,15,000 चला गया। अभी आप मेरे को बताओ कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि वैक्सीन आने के बाद इतना तेजी से स्प्रेड क्यों हुआ। अगर इसको सेकेंड फेज भी उसका आना था तो पहले भी आ सकता था। मार्च 2020 में कोरोना आया, आज हम अप्रैल 2021 में हैं और तब कोरोना दोबारा स्प्रेड किया है। तो इतना लॉन्ग गैप दोबारा स्प्रेड करने में मैंने किसी कंट्री में नहीं देखा जितना कि मैं इंडिया में देख रहा हूँ। तो अब ये सब चीज़ें मैं एक कॉमन मैन की हैसियत से, एक जागरूक नागरिक की हैसियत से जरूर ये जानना चाहूँगा सरकार से, डॉक्टर से, मेडिकल विशेषज्ञों से कि भाई आखिर कुछ तो कारण आप बताएंगे ना कि इसका स्प्रेड दोबारा इतना बड़े पैमाने पर क्यों हुआ, इसका कुछ तो आप कारण रखेंगे। और मेरा ये मानना है कि ये क्लियरिटी अभी तक भारत सरकार के पास नहीं है। सरकार के पास क्लियरिटी नहीं है। रिकॉर्ड गुप्ता साहब क्या कहना चाहेंगे आप, क्या वाकई इसमें क्लियरिटी नहीं है जिसको लेकर ये भ्रम बना हुआ है कि कोरोना वाकई फैल रहा है, या उसे जानबूझकर इस तरह के एक तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, उसकी दूसरी लहर का असर ज्यादा है? मैं ये कहना चाहूंगा सरकार की असफलता है इसमें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा है। अभी मैंने देखा धारा 144 आपने लागू किया है, कब से लागू किया है? काफी दिनों से हो गया, लेकिन आप सड़क पे चलते देखेंगे 4 नहीं 5 नहीं 10 बस स्टैंड में, यानी भीड़ का भीड़ आपको दिखेगा। जब आपने ट्रेन चालू किया, ट्रेन में था नहीं डिस्टेंस रहेगा, सोशल डिस्टेंस लेके चलेंगे, ट्रेन आज की डेट में भरी हुई जा रही है। बस आपने चालू किया, कहा था एक सीट पे एक बैठेंगे, लेकिन बस भरी हुई जा रही थी, तब भी 144 लागू था, तब भी 144 का पालन नहीं हो रहा था। मेरा सीधे पीछे है कि मेडिकल अपना वर्क करे, शासन अपना वर्क करे, सरकार अपना वर्क करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे, और डॉक्टर की गाइडलाइन जो हो उसको हम पूर्णतया फॉलो करें तो हम कोरोना से जीत सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने एक बहुत बढ़िया बात उठाई आपने कि जो वैक्सीनेशन है उसमें 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं, अभी सरकार ने ये भी ढिलाई दे दी है कि भाई जो बीमार हैं या जो बीमार नहीं है, 45 साल से आगे की सारे उम्र के जितने भी लोग हैं उनको लगेगा। लेकिन एक हिंदुस्तान जो सबसे ज़्यादा युवाओं का देश बार बार कहा जा रहा है, और युवाओं को इस वैक्सीनेशन से दूर रखा गया, कितना इसका असर आपको लग रहा है कि ये स्प्रेडिंग में हो रहा है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि वही एक बात है जो नेग्लेक्ट हो रही है। यस, जिस नेग्लिजेंस की वजह से यंग लोगों में जो डिजीज आता है वो प्रमाण में कम होता है मगर वो स्प्रेड करता है। yes. और उसकी वजह से इसका जो स्प्रेड है ज्यादा बन रहा है। तो अभी काफी जनों से मैंने सुना है कि, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी ये भी डिमांड किया है कि यंग पॉपुलेशन में भी हमको वैक्सीनेशन चाहिए, 25 साल से ज्यादा तो वैक्सीनेशन चाहिए। ये वैक्सीनेशन ही प्ले रोल करेगा कि इसका स्प्रेड रुकेगा, और जो मैंने तीन बातें बताई वो, और इसके अलावा यदि हिंदुस्तान में देखना है तो हमारा जो पॉपुलेशन रेशियो है वो इस तरह से है जिसकी रोज की जिंदगी रोज के काम पर डिपेंड है। यदि वो हम पूरी तरह से बंद कर देंगे तो सरकार के जो गवर्नेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं। और वो गवर्नेंस जैसे हमारे गुप्ता जी ने अभी बताया कि वो गवर्नेंस का लागू नहीं हो रहा है, वो यदि लागू होता है तो मेडिकल फील्ड में जो भी हम प्रयत्न कर रहे हैं तो उसका बैलेंस जरूर मिल सकता है। मिश्रा जी, क्या वाकई प्रशासन और सरकार जो है पाबंदियों को लागू करने में विफल दिख रही है आपको? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अगर बाकी कंट्री की तुलना में आप हमारे कंट्री की बात करेंगे तो हमारे यहाँ जिस सख्ती के साथ लॉकडाउन लागू किया गया था, इतनी सख्ती किसी भी कंट्री ने अपने नागरिकों पे नहीं की थी। अच्छा, जिस तरीके से आपको पर्याम सड़कों पर पिटाई की गई, जिस तरीके से आपको बिना किसी प्लानिंग के आपको रोड पे मतलब घर में बंद कर दिया गया, आपको घर में अनाज है कि नहीं, पानी है कि नहीं, बिना इस चीज को समझे हुए बंद कर दिया गया, उतनी सख्ती से तो किसी कंट्री ने लॉकडाउन नहीं किया। और इतना एट्रेंडम डिसीजन लॉकडाउन का किसी कंट्री के द्वारा नहीं लिया गया। हर कंट्री ने पहले 2-3 महीना लोगों को समझाने का प्रयास किया, बताया कि हम भाई लॉकडाउन करना पड़ सकता है, उसके लिए आप तैयारी कर लीजिए, ये सारी चीज़ें करने के बाद किया। तो मुझे तो ये नहीं लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर इन लोगों ने कोई खामी रखी है। अभी आप देखो, आज मास्क नहीं पहने पर जिस तरीके का फाइन लिया जाता है, ठीक है, हम लोगों में से कुछ लोग गलती करते हैं कि बिना मास्क के भी निकल आते हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन
मुझे ये माना कि इससे स्प्रेड हो रहा है, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर स्प्रेड इससे होना रहा था बिहार में चुनाव हुआ, क्यों नहीं स्प्रेड हुआ? अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि जिसके रैली में जितना भीड़ आ रहा है उसका नेता उतना ही दमखम के साथ सामने आके कह रहा है कि इतना भीड़ जुटा दिए। आप बताइए, दो गज की दूरी, मास्क जरूरी और जीने जीवन के लिए जरूरी, ये सब जो आप बोल रहे हैं ये वहाँ क्यों नहीं लागू कर रहे हैं जहाँ चुनाव हो रही है? और आप क्यों नहीं ऑनलाइन आ कर करके आप लोगों के सामने भाषण दे के चले जा रहे हैं? आप क्यों लोगों की भीड़ जुटा कर करके फील्ड में लोगों को ला रहे हैं? और अगर इससे स्प्रेड होना रहता तो बहुत फैलता। नहीं, उनका कहना है कि वहाँ पे कोरोना है अब, ही नहीं, अब वजह से। नहीं नहीं, अब कैसे नहीं है? अगर आप ही के आंकड़े बोलते हैं कि 2000 ही सही, 1000 ही सही, लेकिन कोरोना की संख्या वहाँ भी है। अभी आप रह गई बात वैक्सीन की, अब ये देखो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया कल का है, ये कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में पहला लाइन क्या लिखा है? नो कंपेंसेशन प्रोविजन फॉर एनी एडवर्स इफेक्ट आफ्टर जय। मतलब कि आपको सुई दे दिया जाता है, आप मर जाएंगे कि विलुप्त हो जाएंगे, कि आपका अंग छिन्न हो जाएगा, कि आप पैरालाइज्ड हो जाएंगे, इससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। उसी के कॉलम के बगल में ये देखो, ये तो बहुत छोटा सा एक कॉलम है यहाँ पर, और उसमें लिखा है कि उड़ीसा मैन डाइज आफ्टर वैक्सीन शॉट। मतलब वैक्सीन का शॉट लेते ही उड़ीसा का एक आदमी मरता है। और इस छोटे से ही कॉलम में जब आप पढ़ने जाएंगे तो मालूम चलेगा केवल उड़ीसा में 6 लोग वैक्सीन शॉट के बाद डेथ कर चुके हैं। अच्छा। तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से ऐसे 6 केसेस उड़ीसा में, केवल उड़ीसा में। आपको पता है मुंबई जैसे शहरों में भी 4 लोगों की डेथ हुई है, कर्नाटका में हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है। हमको एक बात बताइए कि जब आप वैक्सीन दे रहे हैं और आपको ये मालूम है कि भले ही 20 आदमी ही सही, लेकिन 20 आदमी अचानक वैक्सीन लेने के बाद मरा है, तो क्या एक आदमी के भी जान की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है? एक आदमी का भी अगर जान गवर्नमेंट के किसी गलत पहलू के चलते चला जाता है तो वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। क्या आपका काम नहीं है कि आप ये वैक्सीन किसको सूट करता है किसको नहीं सूट करता है उसका एक प्रॉपर गाइडलाइन आप सबको दीजिए? आपने सरकार तो दावा कर रही है कि क्लिनिकल ट्रायल में ये सारे वैक्सीन बेहद ही सेफ है, कोई खतरनाक, इसका मतलब अगर किसी की जान जा रही है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप कहते हैं कि सेफ है, तो सेफ होने के बाद एक अच्छा खासा आदमी आपके पास आता है, तंदुरुस्त है, आपके साथ सेट पे बैठता है, आप उसको वैक्सीन देते हो, मर जाता है, तो ऐसे कैसे संभव है? अगर ये इतनी सेफ वैक्सीन है तो एक अच्छे खासे आदमी की जान कैसे चली जाती है? आपका आंकड़ा कह रहा है कि आपने 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दे दिया, तो अब जब आप 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दिए हैं और तब स्प्रेड का आलम यह है कि सारे रिकॉर्ड आपके ध्वस्त हो चुके हैं, तो फिर मेरे को तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जो मुझे जो जानकारी है कि वैक्सीन जब आप लेते हैं तो इम्यून सिस्टम गिरता है, पहले दौर में गिरता है कुछ दिनों तक, बाद में वो फिर बढ़ना शुरू होता है, तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि जो आदमी को पहले से बीमारी है, आपने उसको वैक्सीन दिया तो उसका इम्यून सिस्टम गया, बर्दाश्त नहीं कर पाया, मर गया। तो वैसी स्थिति में आपको इस बात की जांच बिल्कुल करनी है कि इस वैक्सीन के देने के बाद इम्यून सिस्टम में कितना गिरावट होती है, कितने दिनों तक गिरावट होती है, कब से फिर वैक्सीन से इम्यून सिस्टम बढ़ने लगता है, ये सारी चीजों को आपको, हम कॉमन माइन है, हमको मेडिकल का ज्ञान नहीं है, हम तो आज डर रहे हैं कि उड़ीसा में एक आदमी मर गया, कहीं हम भी लेंगे मर ना जाए, तो हम डर से वैक्सीन नहीं लेंगे, तो हमको ये बताएगा कौन? नहीं, ये बात आपने जो कही मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि मैंने खुद वैक्सीनेशन करवाया और 5 दिन तक मेरा इम्यून सिस्टम एकदम से डल रहा है, एक डलनेस हो जाती है बॉडी में और अनइजी फील होता है, ऐसा मैंने 5-6 दिनों तक खुद फील किया, तो मैं इस चीज़ को मान सकता हूँ, मैं जो प्रत्यक्ष अनुभव किया मैंने, कि हो सकता है, अभी मेडिकली उसको क्या कहा जाएगा मुझे नहीं पता। डॉक्टर साहब आप बताइए, क्या वाकई ऐसा कुछ होता है क्या? जी, वैक्सीन का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में उस तरह का ही एक शो किया जाए डिजीज का, जो वायरस के इन्फेक्शन से होता है यस, हाँ। और उसको रिएक्ट करके बॉडी इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडीज तैयार करती है जो आपको प्रोड्यूस प्रोटेक्ट करती है। ये जो पीरियड होता है एक 7-8 दिन का पीरियड होता है, उस पीरियड में तुम्हारी बॉडी फाइट करना सीखती है। वो फाइट करने की वजह से ही हमने, गवर्नमेंट ने शायद कुछ रेगुलेशंस, कुछ जांच भी रखी है, किन लोगों ने लेना नहीं चाहिए, किन लोगों के इम्यून सिस्टम कम है तो उनको ज्यादा रिस्पॉन्स कम हो जाएगा, जिनके ब्रेन पर असर हो जाएगा, जिनको एपिलिप्सी है, जिनको डायबिटीज है, जिनको ऑटो इम्यून डिजीज है, जिनको कैंसर है, तो उनके प्रिकॉशनरी मेजर्स ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यदि इम्प्लीमेंट होते हैं तो शायद हम इस चीजों में काफी गवर्नेंस इम्प्रूव कर सकेंगे। और दूसरी बात कैसी कि जब भी हमको मालूम है
सूरज के नीचे कुछ भी हो, विटामिन बी हो, विटामिन सी हो, सादी दवा भी हो, उसको रिएक्शन आ सकती है। ये तो वैक्सीन है, तो प्रोटीन है हम दे रहे, तो इट इज नोन उसको रिएक्शन कुछ लोगों में ज्यादा आ सकती है, तो इसलिए हमको उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से तैयार रखना चाहिए कि हम 100 में से नहीं, 1000 में से नहीं, लाख में से एक आदमी को भी आ सकती है रिएक्शन, तो उसके लिए हमारा प्रिकॉशन क्या है। लेकिन ये है नहीं, ये थोड़ा सा जो तफावत दिख रही है उसकी वजह से इंसिडेंस नोन हो रहे हैं। यदि ये बैलेंस रखेंगे हम तो शायद इसके इंसिडेंस कम हो जाए। मतलब जिंदगी चाहे एक की भी जाए वो तो बेस्ट कीमती है, उसके परिवार के लिए और इस देश के लिए भी है, लेकिन वो एक जिंदगी बचाने के लिए सरकार जिस तरह से, डॉक्टर साहब ने भी खुद कहा कि वो जो तफावत दिख रही, जो कमियां दिख रही हैं, वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि भले एक आदमी को भी उसकी तकलीफ हो उसके लिए इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है? इंटरप्ट करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि और प्रदेश में कोरोना नहीं है। अभी जैसे इन्होंने कहा कि इतने दिन में इतना स्प्रेड इतना यहाँ पे आ गया, और भी वहाँ पे बंगाल में चुनाव चल रहा है, वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, वहाँ पे बिहार में चुनाव हुआ वहाँ नहीं हुआ। साहब मैं बोलता हूँ, अभी नहीं था कि 1,00,000 टेस्टिंग हुआ दिल्ली में, जिसमें 5,100 पाए गए। महाराष्ट्र में भी टेस्टिंग की बहुत, जैसे मुझे जानकारी है, हर जगह टेस्टिंग मुंबई में हर जगह पे है, टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, डेंसिटी इतनी ज्यादा मुंबई की है, इसलिए मुंबई की ज्यादा आ रही है, इसलिए मुंबई की ये ज्यादा आ रही डेंसिटी हमारे यहाँ रहने की ज्यादा है, और स्प्रेड होने की संभावना बॉम्बे में सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे नजदीक में काफी लोग रहते हैं। 9 इंच की दीवार के अंदर एक दूसरा फ्लैट होता है, एक लिफ्ट हम यूज करते हैं, एक ही सीढ़ियां यूज करती है, तो गवर्नमेंट को हमें गाइडलाइन सरकार को देना है। हम मरे जा रहे हैं ईएमआई के चक्कर में, कहते हैं भूखे मर जाएंगे, इससे अच्छा बेटर है कि कोरोना होके मरेंगे। कोई फ्लैट बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो कम से कम सरकार इस पे इतना ध्यान दे कि 15 दिन के लिए, मेरा एडवाइस है कि सबको घर पे बंद कर दे, और क्या सुविधा दे सकती है। मैं ये डिमांड नहीं करूंगा, कुछ राजनीतिक पार्टियां ने अभी कहा कि लाइट बिल जो है बंद कर दे, पानी बंद कर दे, और कुछ ईएमआई 6 महीने 15 दिन के लिए 1 महीने के लिए बंद कर दे, आम आदमी अपना बैठ जाएगा चुपचाप, अगर कोरोना इससे रुकने से रुक सकता है। लेकिन वकील साहब यही तो नहीं हो रहा है, इतने साल भर तो लॉकडाउन रहा, सरकार ने क्या सुविधा दी, लोग खाने बगैर मर गए, कोई पूछने वाला नहीं था, बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन देश में लगा दिया गया, लोग पैदल चल चल के मर गए। यहाँ पर अभी महाराष्ट्र सरकार ने धारा 144 लगा दी है, उसका मतलब होता है कि 5 लोगों से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि सरकार का मानना है और जो गाइडलाइंस है उसका मानना है कि 5 लोगों से ज्यादा अगर भीड़ होती है तो कोरोना होगा। प्रत्यक्ष में एपीएमसी में आज के दिन 40,000 लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं, और जैसा मिश्रा जी ने खुद कहा कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां चल रही हैं, जो लोग खुद कहते थे, जो नेता और खुद प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि भीड़ नहीं जमा करनी है, उन्होंने ही जुमला दिया था 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। आप यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा। नहीं, मैं सर उसी सवाल पे आ रहा था, कि तो, सवाल ये है कि जो सरकार कह रही है कि 5 से ज्यादा की भीड़ पर कोरोना होगा, तो क्या वाकई कोरोना जो है वो भीड़ से बढ़ रहा है? मेरा सवाल ये है कि अगर वो भीड़ से बढ़ रहा है तो असम में क्यों नहीं बढ़ रहा है, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं बढ़ रहा है, तमिलनाडु में क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो खाली महाराष्ट्र मैं मिश्रा जी आपसे जानना चाहता हूं कि जो जहां तक दिख रहा है जो लोग नहीं, कह रहे नहीं, मैं लॉ एंड ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं कुछ, मेरा सवाल ये है एक्चुअली कि क्या वाकई ये भीड़ के वजह से कोरोना है कि इसमें कोई राजनीतिक खेल है? मैं सवाल आपसे पूछना नहीं, मैं छोटी सी बात ये बोलता हूँ कि जैसा इन्होंने बोला कि मुंबई में बहुत छोटे छोटे जगहों पर लोग रहते हैं या कुछ रहते हैं या टेस्टिंग बहुत ज्यादा है इसलिए यहाँ पता लग रहा है। अभी आप हमको बताओ, अगर बिहार में जिस तरीके से चुनाव हुआ, आप सब लोगों ने उसको देखा है, एक एक बार में कितनी कितनी भीड़ जुटती थी, 2.5-2.5 लाख 3-3 लाख लोगों की भीड़ जुटती थी। अगर मान लो इनकेस वहां टेस्टिंग नहीं भी होता है तो कम से कम जब बीमार लोग पड़ते हैं उनकी हालत खराब होगी तो वो तो दिखेगा ना, दिखेगा, वो भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद अगर वो नहीं दिख रहा है, उसके बाद आप बंगाल में आ पा रहे हो, मैं आपको कह रहा हूं बंगाल हो, आसाम हो, पांडुचेरी हो, तमिलनाडु हो, कहीं भी जहां आप जा रहे हो, जितनी बड़ी भीड़ जुटा रहे हो उतना ही बाबा ही ले रहे हो। अरे भाई, आपके खुद के पब्लिक मीटिंग में और पॉलिटिकल मीटिंग में ये दिख रहा है कि लाखों लोगों में से 90,000 लोग बिना मास्क के हैं, और तब आप आराम से सभा ले रहे हो। आप क्यों नहीं बोले कि अगर एक भी व्यक्ति बिना मास्क का दिखाई देगा तो मैं सभा छोड़ के चला जाऊंगा? अगर आप प्रधानमंत्री थे तो आपका पहला कर्तव्य ये होना था, अगर आप मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी तो उनका पहला काम यह होना चाहिए था कि अगर आप लोगों में से किसी ने मास्क नहीं पहना तो मैं वो सभा नहीं लूंगी, मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे मतदाताओं की, हमारे आम नागरिकों की है। ये कहने वाला कौन सा नेता आपको दिखाई दे रहा है? दूसरी बात,
अगर भीड़ से बढ़ता है तो, मैं तो बोल रहा हूँ भीड़ से बढ़ता तो सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ता, जहां पर भीड़ ज्यादा इकट्ठी होती है। तो हमको, आप मेरे को बताओ, ये हम लोग तो महाराष्ट्र में पिछले एक साल में हम लोग बहुत कुछ गाइडलाइंस को बाकी शहरों और बाकी राज्यों की अपेक्षा बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो हमारे अंदर नहीं फैल रहा है, मतलब हमारे अंदर फैल रहा है कोरोना, और जहां हमसे ज्यादा गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है वहां नहीं फैल रहा है। मुझे ये लगता है कि एक बहुत बड़ा इसमें पीछे कहीं ना कहीं एक साजिश दिखती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के माध्यम से एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मेडिकल स्कैम को जन्म दिया गया है, और इसका फायदा इसलिए इस स्कैम को और फ्रीली छोड़ा गया है क्योंकि इसका फायदा सारे गवर्नमेंट्स के पद पर बैठे लोगों को और अधिकारियों को मिल रहा है। आप नवी मुंबई महानगर पालिका का खाली कॉन्ट्रैक्ट देख लेंगे तो आप हतप्रभ रह जाएंगे कि जिस शहर में कोरोना इतने बड़े पैमाने पर हो वहां सारे पॉन्ड्स पे फाउंटेन लगे, सारे जगहों की पुताई हुई, रंगाई हुई, सारे जगह लाइटिंग्स फिट किए गए, सारे जगह पर जहां जरूरत नहीं वहां जाली लगाया गया, इस लेवल पर करोड़ों करोड़ रुपए के टेंडर पास कर दिए गए। आप मेरे को बताओ क्यों? क्योंकि उनको पता है इस समय में कोई कोरोना काल में कोई ज्यादा विरोध नहीं कर पाएगा, मामला कोर्ट तक भी नहीं जाएगा, कोर्ट में भी समय पर सुनवाई नहीं होगी, ये सारी चीजें इनको जानकारी है, इसका एक गैर फायदा तो ले ही रहे हैं लोग। डॉक्टर साहब, क्या वाकई लग रहा है कि ये कोई बिजनेस का खेल है या वाकई कोरोना की आड़ में कुछ चल रहा है, कोई साजिश है इंटरनेशनल? इसमें इस तरह से देखा जाए, जैसे कुछ प्रश्नों में मिश्रा जी ने बोला, गुप्ता जी ने बोला, एक तरह से एक डिजीज है, एक तरह से स्कैम है। हम यदि देखेंगे कि पिछले साल में 2020 में जैसे लॉकडाउन्स लगे, कुछ अच्छे काम के लिए कुछ सडन लगाए, उसे लोगों को प्रॉब्लम हो गए, उसको प्लानिंग नहीं किया गया, पर मैं जरूर ये बोलूंगा कि हमको कुछ लॉकडाउन का बेनिफिट जरूर मिला। यस, मिला, बिल्कुल दो रहे। वो बेनिफिट ये था कि हमने टुवर्ड्स 2020 के एंड को देखा कि हमारे देश में कोरोना ऑलमोस्ट जा चुका था। मगर उसके अंदर जाने की वजह से लोगों में और गवर्नमेंट में जो ढिलाई आ गई, पूरा ओपन कर दिया, क्योंकि कोरोना गया नहीं था, अभी जा रहा था, और उसी वक्त यूरोप में और यूएस में म्यूटेशंस आ रहे थे, और तुम्हारा पूरा आवाज आवागत चालू थी, यूएस से, यूरोप से, इंडिया में आना जाना, मिडिल ईस्ट से, अफ्रीका से आना जाना चालू था। तुम ये नहीं सोचते क्या, पूरा जो म्यूटेशनल वायरस था और हमारे पास में हमने पूरी ढिलाई दी थी, तो उसकी वजह से जो हमने जो लहर ली है वो लहर आज हमारे सामने दिख रही है। हमने जो गाइडलाइंस को कंटिन्यू रखते पूरा जीरो लेवल आए जब तक, तो शायद फायदा होता। दूसरी बात, जब कोई भी इस तरह से पैंडेमिक आता है तो शायद उसका एक बिजनेस का रूप ऑटोमेटिकली ले लेता है, बिकॉज देर इज अ स्मॉल कम्युनिटी इन द बिजनेस, इन द स्मॉल कम्युनिटी इन द गवर्नमेंट, स्मॉल कम्युनिटी इन द सोसाइटी, विच टेक्स द अपॉर्चुनिटी, उसका पूरा फायदा लेती है, प्रोफेशन में भी लेती है, गवर्नमेंट में भी लेती है, और पॉलिटिकल सिचुएशन का भी फायदा लेती है। तो शायद आप जैसे कह रहे मिश्रा जी, हो सकता है, पर ये दोनों के बीच में बैलेंस तो होना जरूरी है। स्कैम भी एक हो रहा है समझो, जिसकी वजह से लोग फायदा ले रहे हैं, कुछ जगह इसको नेग्लिजेंस हो रहा है क्योंकि मशीनरी कम गिर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम गिर रहा है, हमको ये सब चीजों को गहनता से देखना चाहिए। देखना पड़ेगा, ये क्या कहना चाह रहा, लॉकडाउन की आवश्यकता कब पड़ रही है? जब कोरोना आया है स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट के पास मैनेजमेंट नहीं था, उतने हॉस्पिटल नहीं थे, उतने बेड नहीं थे, इस वजह से लॉकडाउन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि एक लाइन में लग जाएंगे पेशेंट, हम कहां जाएंगे। और यही बात साजिश की मैंने, कोरोना तो मुझे भी हुआ था, मैं भी वापस आया, ठीक हुआ, शायद आपको भी, आपको किसी को हुआ होगा, वापस आए होंगे, अगर साजिश होती तो मेरे साथ भी साजिश हो सकती थी। लेकिन जो मैनेजमेंट है, ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ, आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बाद मेरे सुनने में आया कि शायद ऑक्सीजन सिलेंडर भी उतने नहीं है, आने वाले भविष्य में हो सकता है पूर्णतः लॉकडाउन करना ही पड़ेगा, उतने बेड नहीं है। जब इतनी भयावह स्थिति आ गई है और ज्यादा आई, लाख आया, 2 लाख डेली आना शुरू होंगे, तो क्या पब्लिक सड़क पे रहेगी? मिश्रा जी, क्या लगता है आपको? जैसे कह रहे हैं कि मैनेजमेंट, सरकारी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, स्कैम की बात नहीं कर रहे। कि मैं तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक डॉक्टर फील्ड होने के बावजूद उन्होंने इस बात को माना कि कुछ लोगों को इसको अपॉर्चुनिटी, मतलब आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग भी इस जगह पे हैं, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा में अवसर, तो आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आप एक तरफ कहते हो कोरोना की कोई दवाई नहीं है,
फिर 5-5 लाख की बिल भी बना देते हो, उसमें दवाइयों का खर्चा केवल 48,000 और 50,000 रहता है, जब कोई इसकी दवाई नहीं है तो 50-55,000 किस दवा पे चला जा रहा है, 5-5 लाख रुपए बिल कहाँ से आ जा रहे हैं, 12-12 लाख 14-14 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों की डेड बॉडी बाहर आई है, वो भी उदाहरण हम लोगों के पास है। तो अगर इसकी कोई दवाई नहीं है, सिर्फ इसका दवा है कि आपको एक आइसोलेटेड प्लेस में रख दिया जाए और आपको जो काढ़ा और चाहे जो कुछ भी आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, कुछ ऐसा जो केवल आपके इम्यून को मजबूत करेगा और उससे आपकी जान बचाई जा सकती है, तो फिर वैसी स्थिति में इतना खर्च नहीं आना चाहिए। आपको याद होगा पूरे शहर में फवारनी होती थी, आपको याद है, सैनिटाइज किया जाता था, ये सब चीजें जो की गई हैं, आप कहते हो कि ये रोकने के लिए की गई, अरे साहब 500 थे तो अब शुरू हो गया था, 1 करोड़ को पार कर गए, और मरने वालों की संख्या जो 1 और 2 हुआ करती थी वो 1,65,000 पार कर गई। तो आप मेरे को एक बार बताओ, जब आप कुछ कर रहे हो तो वो नियंत्रित दिखना चाहिए। अब आप तुलना करोगे, हम ब्राजील की तरह नहीं हो पाए, हम अमेरिका की तरह नहीं, तो आप पाकिस्तान भी तो नहीं हो पाए, आप बांग्लादेश भी तो नहीं हो पाए, आप श्रीलंका भी तो नहीं हो पाए, जहां मौत की तादाद भी बहुत कम है और रोगियों की संख्या भी बहुत कम है। सर थोड़ा यार पॉलिटिकल से हटना चाहूंगा मैं। नहीं नहीं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, उसी पॉइंट पे। ये एक्चुअली क्या, ये बात पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल जिस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं उससे जुड़ा हुआ मामला है। आज कल शाम को राज ठाकरे ने यहां तक कह दिया कि मुंबई में कोरोना बढ़ने के पीछे उत्तर भारतीयों का सबसे बड़ा हाथ है। देखो, उत्तर भारतीय आ रहे हैं इसलिए कोरोना बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि जैसे आपने बहुत बढ़िया एक बात कही, जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनसे भी कोरोना बढ़ा है, जो दो अदर कंट्री से जो लोग आए जहां दूसरी लहर चल रही थी, तो क्या देश के लोगों के बीच में अपने मुंबई में आने की वजह से भी, जिस तरह से उन्होंने कहा है राज ठाकरे ने कि उत्तर भारतीयों की वजह से ही कोरोना बढ़ रहा है। देखिए, अगर उत्तर भारतीयों या परप्रांतियों के आने से कोरोना बढ़ता बाई चांस, तो सबसे ज्यादा कोरोना का इफेक्ट तो वहां होना चाहिए था जहां ये रहते हैं, चाहे जो इनका मूल कांद घर है या जहां के ये निवासी हैं, वहां सबसे ज्यादा होना चाहिए था। अगर उनमें कोरोना फैलाने की ताकत होती तो अपने घर में फैलाते सबसे ज्यादा, वो आपके घर में आके थोड़ी फैलाते। हमारा कहना यह है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, आपको जितना बंगलोर आप ज्यादा देर देखेंगे तो कोरोना का इफेक्ट उसी जगह पे जो डेवलप स्टेट है या डेवलप सिटी है, वहीं पर सबसे ज्यादा कोरोना का प्रकोप आपको दिखाई दे रहा है। और जो बैकवर्ड स्टेट है, जिनको आप बैकवर्ड स्टेट नेशनल लेवल पर तुलना मारना, तो वहां पर कोरोना का इफेक्ट कम है। अब इसके पीछे आप दो बात बोल सकते हैं, या तो वहां के लोग जो है वो आराम तलबी नहीं होते हैं, वो मेहनती होते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम जो है मजबूत होता है, आप एक बात ये भी मान सकते हैं। और हमारे यहाँ AC आ गया, कूलिंग आ गया, हम लोग घर बैठ कर आराम तलब हो गए, तो हो सकता है हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया हो, हम ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन ये सब चीजों पर ज्यादा अच्छा परिभाषित कौन कर सकता है, डॉक्टर साहब? लेकिन मैं डॉक्टर साहब के पास ही आता हूँ। डॉक्टर साहब, जब पहला लॉकडाउन लगा था उस वक्त हमने इंटरव्यू आपका किया था, और आपने एक स्टेटमेंट दिया था जो बहुत सारे डॉक्टरों ने उसका उस वक्त विरोध किया था, तब आपने कहा था कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। अब जब दवाई आ गई है तो क्या वाकई अब कोरोना से डरने की जरूरत है? मैं आपके प्रश्न के पहले मिश्रा जी को एक समझाना चाहूंगा कि जैसे इसका पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है कि कोरोना कहाँ से आ रहा है, तो मैंने मेरे एक्सप्लेनेशन में पहले ही बताया है कि ये म्यूटेशन वेरिएंट है, कोई इंडिया के कॉर्नर से नहीं आ रहा है। पहले तो ये समझ लो कि इंडिया के कोई कॉर्नर से नहीं आ रहा है। ये जो वेरिएंट है, ये वेरिएंट बाहर से आया है, ब्रिटेन से आया है, ब्राजील से आया है, US से आया है। हम पहले इस पर फोकस करें, पॉलिटिसाइज नहीं करते वक्त, जिसकी वजह से हमको समझना चाहिए कि कोरोना क्यों म्यूटेट होकर हमारे यहाँ बह रहा है। नहीं तो पहले जो फर्स्ट वेरिएंट था वो हमने कंट्रोल किया था। तो ये बात को कोई महत्व नहीं है कि ये कुछ एरिया से आ रहा है, किस तरह से डिफेंस है, मगर साधारण आदमी को समझना है इस बात को और किसको महत्व देना है। वैसे दूसरा प्रश्न आपका जैसा है कि कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आज वही बोलूंगा, आज भी बहुत सारे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग डर से हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। डर से हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। वैसे भी आज मैंने इतने न्यूज देखे हैं कि एज्ड पेशेंट भी घर में बैठकर रिकवर हो चुके हैं, मिडिल एज के पेशेंट भी, मॉर्बिड पेशेंट भी, डायबिटीज पेशेंट भी, ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी, कैंसर के पेशेंट भी घर में बैठकर रिकवर हो चुके हैं। मगर एक समाज में कोरोना का जो भय है वो भय बीमारी से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये भय जो है
हमारी बीमारी को बढ़ा रहा है। तो पहले तो हम ये भय से दूर कैसा हो, ये सबसे जरूरी है। हर जगह पर इसके नॉलेज की या तो इसके ओरिएंटेशन का प्रोग्राम्स होना बहुत जरूरी है। हर हॉस्पिटल में गवर्नेंस होना चाहिए और जहां पर जरूरी है वहां पर हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि हमारे पास बहुत दवा है, कोरोना के लिए लिमिटेड ड्रग्स है जो हमारे पास में रिसर्च होकर पिछले एक साल में आए हैं। और वैसे लास्ट ईयर में हम देखेंगे 22 में हमारे पास में तो ड्रग भी नहीं था, मालूम भी नहीं था, वैक्सीन भी नहीं था। आज हमारे पास में ड्रग है, वो वैक्सीन है। हम कहां पर कम गिर रहे, तो हम गवर्नेंस में कम गिर रहे, लोगों के एक्नॉलेजमेंट में कम गिर रहे, हमारी मोहलतें जो है सो लोगों में एक तरह से क्या बोलते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, अभी हमको कुछ नहीं होने वाला, लीडर बन गए। उसकी वजह से इसका जो एक बड़ा है, ये जो भ्रम है कि कुछ भी नहीं होगा, ये जो नेग्लिजेंस है, एक तरह की लापरवाही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई हमको आप 25 साल से आगे के जितने भी लोग हैं उनको आप फ्री कर दो, हम एक महीने के अंदर पूरे दिल्ली का वैक्सीनेशन कर देंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 25 साल से ऊपर के नौजवानों को वैक्सीनेशन की डिमांड की है कि आप फ्री करो, हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करें। डॉक्टर साहब ने इसी बात का जिक्र किया कि ये बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है, मेडिकल एडवाइस है, मेडिकल एडवाइस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। मैं सवाल उसी पे आ रहा हूं। अगर हम ये मान रहे हैं कि कोरोना का इलाज इंजेक्शन है, उसे हम रोक सकते हैं, उससे वैक्सीन है, तो क्या जो लोग उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, उस 25 साल के आगे के जो युवा हैं, उनको वैक्सीन की सरकार को तत्काल मंजूरी दे देनी चाहिए? उसमें रोकने की जरूरत क्या है? उसको इतना होल्ड करके 4 साल में वैक्सीनेशन कराने की जरूरत? बिल्कुल कर देना चाहिए। अगर मेडिकल को एक जूरी बना, मेडिकल बोल रहा है 25 साल के ऊपर को सब वैक्सीनेशन कर देना चाहिए तो कर देना चाहिए। लेकिन बच्चों पे इफेक्टेड आ गए, उसके लिए भी मेडिकल सोचना पड़ेगा अभी तीसरी लहर कब आ जाएगी। मैं इस सरकार को ही मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ, जो अच्छे काम करेंगे सरकार को ही क्रेडिट देना चाहिए, जो वैक्सीन आई उनको क्रेडिट देता हूँ, लेकिन वैक्सीन का इम्प्लीमेंटेशन सबको कायदे से होना चाहिए। नहीं तो वैक्सीन ला करके भी आज हम 1-1.5 लाख के ऊपर चले गए हैं तो हम कहाँ पर हैं? अब 25 साल की आज बात हो रही है, 25 साल युवा को स्प्रेड कर रहे हैं, इसके पहले मेडिकल कहाँ था? आपने इतना बड़ा खर्च करते हैं, चाहे पुणे में हो कहीं भी मेडिकल, उस समय मेडिकल क्यों नहीं बोला कि हाँ भी 25 साल की अवस्था को पहले किया जाना चाहिए वैक्सीनेशन? मिश्रा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो ज्यादातर लोगों को दिया जाए, इस बात को तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी कल यूपी गवर्नमेंट को बोला है कि क्या क्यों क्या कारण है कि आप इस पर विचार नहीं कर रहे हैं कि सबको आप वैक्सीन दो। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि अब अदालत भी यह मानती है कि अगर वैक्सीन इसका कोई उपाय है तो निश्चित तौर पे वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और हर तरह के लोगों को दिया जाना चाहिए। हो सकता है सरकार के पास ये कारण हो कि उसके पास स्टॉक अभी लिमिट हो और वैसे स्थिति में वो ये चाहता हो कि जिनका इम्यून सिस्टम एक एज के बाद घटने लगता है उनको हम पहले दे दें, और चूंकि युवाओं में इम्यून सिस्टम थोड़ा ज़्यादा रहता है तो हम उनको बाद में दे दें। हो सकता है सरकार की ये फेज वाइज योजना रही हो, लेकिन मेरा केवल एक बात है कि अभी आपने बिहार का एक न्यूज़ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और ऑथेंटिक न्यूज़ है कि 181 लोग ऐसे हैं जो डबल डोज लिए हैं और उनको कोरोना हुआ है। आफ्टर डबल मतलब दूसरा जो डोज होता है दूसरे फेज का, वो लेने के बाद उनको कोरोना हुआ है 181। इसका मतलब यह है कि वैक्सीन ये कंप्लीट उपाय नहीं है, ये आप मान के चलिए कि कंप्लीट उपाय नहीं है। ये हो सकता है कि मतलब कोरोना रोकने का उपाय नहीं है, कोरोना से लड़ने का उपाय है। दूसरी बात आपने कही डर की, तो डर तो यहाँ आप मेरे को बताओ, जहां का प्रधानमंत्री स्वयं आकर के कह रहे, उन्होंने खुद से डराया लोगों को, इतना मन में डर पैदा किया कि कई लोग तो कोरोना होने के बाद हदस से मर गए। और कई लोगों को तो आपको मैं बता रहा हूँ, आज आपके घर में कोरोना होता है, आपने बोला कि घर में रखो, कितने लोगों को अपने अंतिम राइट से भी बेदखल होना पड़ा और लोगों की लाश को अकेला एम्बुलेंस में ले जा करके डाल दिया गया। आप मेरे को बताओ, ये सारे राइट से लोगों को, कई लोगों को बेदखल होना पड़ा है, सैकड़ों लोग, हजारों लोग अपने डेड बॉडी को नहीं, अपने अपने परिचितों के डेड बॉडी को नहीं देख पाए, अपने फैमिली के, अपने माँ के, अपने बाप के, अपने बेटे के डेड बॉडी नहीं देख पाए वो लोग, इतना तक हुआ। तो ये डर किसने पैदा किया? ये सरकार ने पैदा किया। अभी मेरे को आप बोलेंगे तो हो सकता है कि कोई लोग कहते कि पाकिस्तान की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान का मैंने स्टेटमेंट सुना था, एक समय में मैंने मोदी और इमरान खान सेम समय पर एक दिन के बाद स्टेटमेंट आया था, इमरान खान ने यही बोला कि देखो ये बीमारी है,
घबराने की बात नहीं, कई बीमारियां आती हैं, कई बीमारियां जाती हैं, और आप इसको कंप्लीट रोक भी नहीं सकते, नई नई बीमारियां आएंगी जाएंगी, लेकिन हमको घबराना नहीं है, हम लोगों को बिल्कुल ताकत के साथ इसका मुकाबला करना है, और जो प्रिकॉशन लेना है हम लोग लेंगे। एक उनका स्टेटमेंट और एक मोदी का स्टेटमेंट, दोनों के स्टेटमेंट में मैंने आसमान जमीन का अंतर देखा था, और शायद मुझे लगता है कि भले आप कह सकते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा आगे जाके बोल रहा हूँ, लेकिन शायद यही कारण है कि आज पाकिस्तान में महामारी का वो इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है जो हमारे यहाँ दिखाई दे रहा, आज श्रीलंका में महामारी का वो इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, नेपाल में नहीं दिखाई दे रहा जो हमारे यहाँ दिखाई दे रहा। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं मैं कमेंट चाहता हूँ, जो मिश्रा जी कह रहे थे आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मिश्रा जी जैसा बता रहे थे कि वैक्सीन इज नॉट अ क्योर, ये कोई बीमारी को खलास करने का तरीका नहीं है, ये तो 100% दुनिया को भी मालूम है, और मैं इस बात को जाहिर करता हूँ कि वैक्सीन कोई कंप्लीट क्योर नहीं है। हमको वैक्सीन के साथ में हमारे बाकी के चीजें भी जरूरी है यदि हमको डिजीज रोकना है, नहीं तो वैक्सीन से दो बार, जैसे मिश्रा जी ने बिहार की स्टोरी बताई कि जहाँ 181 लोगों को दोनों डबल डोज के बाद भी, वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि हम 100% प्रोटेक्ट हो गए, ये तो वैक्सीन पर भी लिखा है, पेपर में भी जाहिर है, इसका मतलब ये है कि तुम डिजीज से ज्यादा सीरियस नहीं होगे, तुमको प्रोटेक्ट करेगा कुछ हद तक वैक्सीन, पर साथ में ही यही जरूरी है कि वैक्सीन ये हमारी 6 महीने की स्टोरी है, 6 महीने की स्टोरी में हम 10 साल का प्रोटेक्शन आज नहीं बोल सकते, आज नहीं बोल सकते, इसलिए हमको ये समझना है, ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है फेज 4 ही समझ कर चलो, कि हमको स्टडी करना है इसमें कि विदे वैक्सीन का इफेक्ट 6 महीना है, 8 महीना है, 1 साल है, हमें नहीं मालूम, ये तो वैक्सीन बनाने वाले भी आज बोलते हैं, उसके इफेक्ट की सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए भी 100% कोई भी नहीं बोल सकता आज, पर सेफ है, वैक्सीन परफेक्ट नहीं है, नहीं परफेक्ट नहीं, ऐसा नहीं है, हर वैक्सीन को रिएक्शन है, हर चीज को रिएक्शन है, मैं पर उसके परसेंटेजेस हम 1 महीने 2 महीने के स्टडी पर 100% दे नहीं सकते, नहीं नहीं दे सकते, एक क्वेश्चन था, नहीं दे सकते सर, एक मिनट सर, मेडिकल फील्ड के अनुसार इन्होंने बहुत सही बोला है, और मैं इनका इस अच्छे राय के लिए स्वागत करता हूं। मैं एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा कि चूंकि ये बहुत अच्छे मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हैं, तो मेरे को एक रिक्वेस्ट करने दीजिए गवर्नमेंट से, आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा इस पर विचार कीजिए, आप वैक्सीन जैसे लाए 33,000 करोड़ रुपए का आपने वैक्सीन का प्रोजेक्ट मंजूर किया है, वैसे आपने बहुत सारी चीजें और भी किए हैं, करोड़ों हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया कोरोना के नाम पर आप खर्च किए हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार आम लोगों के लिए भी थोड़ा सोचिए कि कैसे इनको आर्थिक राहत देकर के आप अभी तत्काल तो स्वरूप में उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आपके सारे प्रयास बेकार हो जाएंगे, रोड के लोगों को रोड पर निकलना मजबूरी है, उनके घर में खाना नहीं है, उनको बिजली बिल नहीं भर रहे, आप बिजली को उनका कट करके जा रहे हैं, अभी महाराष्ट्र सरकार ने प्लान कर दिया कि जिसका 1 महीने का भी बिल बाकी है उसका भी बिजली कट कर दे रहे हैं, तो इसलिए आपने बहुत बढ़िया, मैं एक्चुअली सवाल पूछने वाला था कि जब दोबारा लॉकडाउन लगा है, कल नागपुर में आंदोलन हुआ है, आज सीउड मुंबई में आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, अभी आपको मैं पूछता हूँ क्या वाकई ये दोबारा लॉकडाउन जरूरी था? सर लॉकडाउन जरूरी है पूरा, अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि लॉकडाउन से बचाया जा सकता है, क्योंकि सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं है, मैं पहले ही बोला था, इसलिए अगर लाखों रोग पड़े निकलेंगे 2 लाख, हमारे पास हॉस्पिटल भी कमी पड़ जाएगी, हमारे पास वेंटिलेटर कमी पड़ जाएगी, हमारे पास ऑक्सीजन कमी पड़ जाएगी, मैं पूर्णतः सहमत हूँ पूर्ण लॉकडाउन हो, लेकिन आम जनता की चिंताओं को रखते हुए आप उनका ध्यान रखते हुए लॉकडाउन कीजिए। मिश्रा जी आप कुछ कमेंट करना चाहते थे? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर किसी को भी ये लगता है कि लॉकडाउन एक सॉल्यूशन के रूप में लोग देखते हैं, तो सबसे पहले चुनाव का लॉकडाउन करो, ये जो चुनाव करा रहे हो आप ऐसे समय में, और जहां मन कर रहा है वहां चुनाव करा रहे हो, मैं बोलता हूं अगर वो जगह पे ना चुनाव एक संवैधानिक बाध्यता है ना, तो वहां 6 महीने के लिए आप प्रेसिडेंट रूल लागू कर दो, और तब तक उसी आदमी को टेम्प्रोरी मुख्यमंत्री रहने दो जो मुख्यमंत्री वहां पहले से, चुनाव मत कराओ। अगर आपको लगता है कि लॉकडाउन करने से या भीड़ को कम करने से इसको रोका जा सकता है, तो आपको सबसे पहले चुनाव पे पाबंदी करनी चाहिए, सारे जगह का चुनाव रोक दो, और
नहीं तो फिर ये लॉकडाउन का कोई मीनिंग नहीं है। जहां लोगों के जीने खाने पर तो आप प्रतिबंध लगा सकते हो, लेकिन अपने चुनावी रैली पर आप कोई प्रतिबंध लगाना नहीं चाहते। ये बिल्कुल भी, मैं कहूंगा बिल्कुल भी नाइंसाफी है इस देश के लोगों के साथ। अगर आप रियली सीरियस हैं तो चुनावी रैली करने की बजाय आप अपना वीडियो ऑडियो के जैसे मन की बात आप करते हैं उसी तरीके से कहीं बैठ करके आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को आप खाली प्रधानमंत्री के बारे में क्यों बोल रहे हैं, राहुल गांधी वही कर रहे हैं, ममता बनर्जी, सारे लीडर मैं डॉक्टर साहब इसी मुद्दे पर मैं आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि क्या वाकई अब दोबारा लॉकडाउन की जरूरत है और ऐसे लॉकडाउन का जिसका विरोध हो रहा है खुले। ये प्रश्न का उत्तर ऐसा रहेगा कि कॉम्बिनेशन रहेगा। जैसे हमारे पास सब दवाएं हैं, वैक्सीन है, हम लॉकडाउन को भी उसी तरह से गिने, एक दवा बोलकर गिने, तो हम उसका फायदा जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। लॉकडाउन के दरमियान जो हमको नेसेसिटीज है वो हम कंप्लायंस करें, कॉमन आदमी की गरजे हम संभल सके, उनके जो बेसिक खर्चे है जैसे कि जो लोगों की ईएमआई हो, लाइट के बिल हो, और बेसिक नेसेसिटी, ऐसे नहीं कि उनको बहुत हाई फाई कुछ देना है। yes. हम यदि ये इतना कर सकेंगे साथ में वैक्सीनेशन और उसके बावजूद होने वाले लोगों को हमारे पास में कंट्रोल्ड सिस्टम रहेगी जिनको हम ट्रीटमेंट दे सकेंगे, वरना ये हम लॉकडाउन बैलेंस्ड नहीं करेंगे तो जैसे गुप्ता जी ने बताया हमारे पास में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास में दवाएं कम गिरेगी, हमारे पास में वैक्सीनेशन कम गिरेगा। वो टाइम फेस करने से हमने बैलेंस्ड सिस्टम यदि करेंगे, बैलेंस्ड लॉकडाउन जिसमें नेसेसिटी लोगों की पूरी हो, हॉस्पिटलाइजेशन फॉर नेसेसरी पीपल, और जो वैक्सीनेशन चालू है वो वैक्सीन को ड्राइव को हम ज्यादा तौर पर फास्ट लें तो शायद हम डिजीज को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके, क्योर नहीं कर सके, कंट्रोल कर सकते हैं क्योर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं आखिरी सवाल की ओर बढ़ना चाहता हूं। नवी मुंबई में जो इंतजाम चल रहे हैं, चूंकि हम इस सिटी में रहते हैं तो हमको यहाँ का इंतजाम बहुत साफ सुथरा दिखता है, कोरोना को लेकर किस तरह के इंतजाम है और क्या ये संतोषप्रद है क्या, जिस तरह से नियंत्रण और वैक्सीनेशन का या उपचार का इंतजाम इस वक्त चल रहा है वो आपको कितना प्रभावी और कितना सक्षम दिख रहा है? देखिए नवी मुंबई में जब कोरोना अपने पीक पे था पहले 2020 में तो भी नवी मुंबई में जो रोगियों की संख्या आती थी, नए रोगियों की, वो 700 750 लास्ट में जाती थी, उससे ज्यादा नहीं गई है। आज के समय में 1400 मरीज आ रहे हैं, नए कोरोना मरीज आ रहे हैं। अब रह गई बात की कितना सफिशियंट है हमारा मेडिकल फैसिलिटी, तो नवी मुंबई आपको मालूम है चूंकि इसको प्लांट वे में डेवलप किया गया है तो यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत बड़े पैमाने पर है, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत बड़े पैमाने पर, इसके अलावा सामुदायिक स्पेस बहुत ज्यादा है हम लोगों के पास, सामुदायिक स्पेस जैसे एग्जीबिशन सेंटर हो गया या और भी सामुदायिक भवनें बहुत बड़े पैमाने पर हैं। तो वैसी स्थिति में नवी मुंबई में कम से कम हम लोग फॉर्चुनेट हैं, हमारा ये गुड लक है कि हम लोगों के पास जगह है, सिर्फ 15 दिन 10 दिन में वो कोविड सेंटर तैयार करने में जो समय लगता है, हम 15 दिन में 20 दिन में हम तुरंत एक कोविड सेंटर तैयार कर लेते हैं, तो ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा एक सौभाग्य है मान लो, ये इसको मैं बोलूंगा। लेकिन बाकी चीजों में मैं एक चीज जरूर नवी मुंबई के लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारे शादी में, हमारे मतलब मैयत में, मैयत और शादी में जब आपने लोगों का संख्या आपने सीमित कर रखा था, तब मैंने देखा था कि जब लगा था कि चुनाव होगा नवी मुंबई महानगर पालिका का, और उस समय में जो हल्दी कुमकुम और ये और वो जो प्रोग्राम होने लगे थे, उसी रैली में हजारों की संख्या में महिलाएं और हजारों की संख्या में पुरुष आया करते थे, उस वक्त नवी मुंबई महानगर पालिका सोई रहती थी और हमारे और आपके शादी पर बैन लगाने के लिए। मेरा का नाम यह है कि आपको कुछ भी लेना है, अगर आप तर्क देते हो किसी चीज के प्रति कि लॉकडाउन एक दवा है या एक समस्या का समाधान है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को अपने ऊपर लॉकडाउन लगाना चाहिए। वो आप जैसे वैक्सीन लेकर के बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर और मंत्रियों ने दिखाया कि हमने वैक्सीन लिया आप भी लीजिए, वैसे आपको अपनी चुनावी रैलियों को बंद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो जब आप बंद करेंगे तब लोगों को ये लगेगा कि नहीं आप सीरियस हो, इसलिए हमको भी सीरियस होना चाहिए। जब मेरा नेतृत्व ही सीरियस नहीं होगा तो हम कैसे सीरियस होंगे? वकील साहब क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं इस पे यही कहना चाहूंगा, अगर लॉकडाउन जरूरी है लॉकडाउन किया जाए, लेकिन जनता का ध्यान में रखते हुए उनका खर्च, उनकी आवश्यकताएं जो है, लाइट बिल, ये बहुत जरूरी है। अगर लॉकडाउन के अलावा मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में अगर लॉकडाउन नहीं हुआ
तो संख्या इतनी बढ़ेगी कि इनके पास हॉस्पिटल नहीं होंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र के लिए इतना कर भी रही है। यस डॉक्टर साहब, अभी से जो खबरें मिल रही हैं कि फिर से वेंटिलेटर्स बेड जो है अनअवेलेबल हो गए हैं, लोग परेशान हैं, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे, ऐसे में आपको मुंबई की जो महानगर पालिका की व्यवस्थाएं और किस तरह से दिख रही है? अभी आज के डेट में देखा जाए, जैसे मिश्रा जी ने बताया, लास्ट फिगर 700 प्लस के ऊपर रुके थे, अभी 1400 प्लस पर गए हैं। तो एक्सपेक्टेड एडमिशंस भी उस तरह से बढ़ेंगे, एक्सपेक्टेड ओपीडीज भी उस तरह से बढ़ेंगे। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो 700 के लिए तैयार था वो एक महीने में 1400 के लिए जा नहीं सकेगा। तो शायद हमारा प्रिपरेशन बहुत फास्ट लगेगा, बहुत ऑर्गेनाइज लगना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के इस मायने ये नहीं कि मशीन्स और जगहें और जैसे कि बेड्स हो, मशीन्स हो, ये नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है मैन पावर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो मैन पावर हम 700 तक लोगों के लिए स्ट्रगल कर कर बनाए थे, तो अभी वो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम ज़रूर है, मगर कॉरपोरेशन कर रही है कोशिश, गवर्नमेंट पुश कर रही है। अभी ये पीरियड उनको अब तैयार करने में बहुत शॉर्ट मिला है, क्योंकि ये पूरा जो हो गया एक महीने में हो गया, एक महीने में, और पीछे जो हुआ था उसके लिए 6 महीने लगे थे। तो ये एक महीने का जो गैप है, जो उन्होंने सब बंद किया था, वो फिर से चालू करने में स्ट्रगलिंग तो ज़रूर होगी। अभी वो हम किस तरह से अचीव करेंगे, हमारे ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर पर है, हमारे ऑर्गेनाइज्ड। मैंने एक चीज देखा कि अभी नवी मुंबई महानगर पालिका में बहुत बड़े पैमाने पर नर्सेज और डॉक्टर्स की बहाली शुरू हो गई है, और बड़े पैमाने पर लोगों को बुलाया जा रहा है। मतलब पालिका ने अपनी तरफ से प्रयास शुरू कर दिया है, और हजारों की संख्या में अब तक लोग आकर के इंटरव्यू दिए हैं, और उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन भी हो चुका है। व्यवसायों में देखा तो जैसे आपने कहा मैन पावर, वो काफी अच्छा इंतजाम चल रहा है। आखिरी ओपिनियन आप लोगों से चाहिए, एक एक लाइन में आपसे आपका जवाब मुझे चाहिए। क्या सुझाव देना चाहेंगे, जो कमियां हैं वो ठीक कैसे हों, कोरोना नियंत्रण हो और लोगों की जान ना जाने पाए, और लॉकडाउन लगे भी तो जो सामान्य लोग हैं उनकी जीविका, उनकी रोजी रोटी चलती रहे। वकील साहब। सर, मेरा यही सुझाव है, अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो लॉकडाउन कर दिया जाना चाहिए। अगर लॉकडाउन करने से ये रुक सकता है, नहीं तो हम बीभत्स की तरफ पढ़ रहे हैं, हमारे संभालना मुश्किल, उसके शिकार हम भी होंगे, आप भी होंगे। और लॉकडाउन के साथ साथ जनता की चिंता जो है, जो चाहिए रोजमर्रा, आज से जिसे एसेंशियल सर्विस कहते हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, बिजली पानी ईमाई जैसे का, उनको चिंता से मुक्त कर दे, उनको भी एक डर है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि मानवता के हित को भी ध्यान में रखते हुए सरकार को कदम उठाना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे गुप्ता जी ने और मिश्रा जी ने बताया, इसमें दो राय नहीं है। पहले तो हमको लाइफ बचाना है, जो लाइफ बचाने के लिए हमको बैलेंस चाहिए। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कोप करने के लिए नहीं हो सकता है, तो हमको पार्ट ऑफ लॉकडाउन लेना है। हमारे लिए डिजीज कंट्रोल रखने के लिए वैक्सीनेशन का ड्राइव बढ़ाना है। और तीसरा, इसके बावजूद केसेस निकलते हैं तो हमारा आज का इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर उस चीज को कोप अप कर सके। यदि फॉलो करेंगे तो शायद हम इजीली ये फेज निकल सकते। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि जो हमारे पैनलिस्ट थे वो कोरोना नियंत्रण को लेकर, सरकार की व्यवस्था को लेकर, और जो नेग्लिजेंस है, जो लापरवाही है, उसको लेकर जो जो खामियां थी उसके ऊपर अपना प्रकाश डाल रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि आज की बातचीत में इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स निकल कर आए हैं, निश्चित तौर पर स्थानीय प्रशासन और सरकार उस पर ध्यान देंगे और कुछ ऐसा इंतजाम करेंगे कि लॉकडाउन अगर लगाना भी पड़े, वैक्सीनेशन ज़्यादा करना भी पड़े तो वो करें, लेकिन आम लोगों की चिंताओं का ध्यान रखना भी जरूरी है, ताकि उनकी भी रोजी रोटी चलती रहे और लोगों की जान भी बची रहे। आज के सवाल है कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ दोबारा आपसे रूबरू होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा, टीवी वन इंडिया। नमस्कार।